चलिए आपको जानकारी दे दें, जयपुर से 1000 लीटर नकली घी सी, जो आपको बता दें कि शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान से जुड़ी बड़ी खबर। दरअसल जयसिंहपुरा रोड स्थित अफजल विहार कॉलोनी में छापा मारा गया। मौके पर वनस्पति तेल में घी का एलसेस मिलाकर तैयार होता हुआ मिला नकली देशी घी। आपको बता दें कि विभिन्न ब्रांड का 1000 लीटर नकली घी पाया गया, जिसे सैंपल लेकर सीज यहाँ पर किया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान से जुड़ी बड़ी जानकारी। जयसिंहपुरा रोड से तफजल विहार कॉलोनी में छापा मारा। मौके पर वनस्पति तेल में घी का एसेंस मिलाकर तैयार होता है और नकली देशी घी विभिन्न ब्रांड का यहां पर मिला। 1000 लीटर नकली घी यहां पर पाया गया, जिसे सैंपल लेकर सीज यहां पर कर दिया गया है। तो राजधानी में नकली देशी घी की फैक्ट्री का पर्दाफाश यहां पर हुआ। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान से जुड़ी बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि आयुक्त इकबाल खान और अति आयुक्त पंकज ओझा के निर्देशन में कार्रवाई। जयसिंहपुरा रोड स्थित अफजल विहार कॉलोनी में टीम ने छापा मारा। जांच में मौके पर मोहम्मद अनीस के मकान में नकली घी का कारखाना मिला। दरअसल वनस्पति तेल में घी का एसेंस मिलाकर विभिन्न ब्रांड के पैकेट में नकली घी भरा जा रहा था। टीम को मौके पर महान, कृष्णा, लोटस आदि विभिन्न ब्रांड के घी के पाउच भी मिले हैं। अधिक जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए नकली घी की बड़ी खेप यहाँ पर मिली है, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल, शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत राजधानी जयपुर में आज बड़ी कार्रवाई की गई है, जहाँ पर की जो जयसिंहपुरा रोड है वहाँ पर अफजल विहार कॉलोनी है, वहाँ पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नकली घी की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। ये जो घर था ये मोहम्मद अनीस नाम के व्यक्ति का घर था और अनीस के घर पर ही नकली घी का कारखाना चल रहा था। वहां पर मौके पर वनस्पति घी में घी का एसेंस मिलाकर विभिन्न ब्रांड के पैकेट में नकली घी जो है उसको भरा जा रहा था। मौके पर महान, कृष्णा, लोटस ब्रांड समेत कई अलग ब्रांडों के घी के पाउच मिले हैं। पूछताछ में जो अनीस है उसने बताया कि वो दिल्ली से पैकिंग के मटेरियल मंगाता है और वहां पर इनको माल को पैक करके आसपास के इलाके में बेचता है। अगर वहां बात करें इलाके की तो करीबन 100 लीटर नकली घी जो है मौके पर मिला, जिसको सैंपल लेके सीज किया गया है। सबसे आश्चर्यजनक बात इस पूरी कार्रवाई में यह है कि मौके पर टीम को कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जिन ब्रांड्स के घी मिले हैं उनके बार कोड और साथ में उनका जो सीरियल नंबर है, बैच नंबर है, जिसका अभी ब्रांड चल रहा है बाजार के अंदर, वो सभी चीजें जो हैं वो इस वक्त मौजूद मिली। यानी कि जो मिलावट खोर थे वो पूरी तरह से बेखौफ थे इस बात को लेकर के कि जो बारकोड है वो भी उनके पास उपलब्ध है, उसके अलावा सीरियल नंबर भी उनके पास उपलब्ध है। तो ये चिंता वाली बात है कि फिर उपभोक्ता किस तरह से जो है मिलावट और नकली जो माल है उसकी पहचान किस तरह से कर पाए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन फिलहाल बड़ी कार्रवाई जयपुर, राजधानी जयपुर के अंदर, जहाँ पर की नकली घी की कारखाने का पर्दाफाश किया गया। जी चलिए विकास, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर जानकारी साझा करने के लिए।